तो स्टार्ट करें अपन, यस मैम, है ना, स्टार्ट करें यस लेक्चर। मैम। डायनामिक इक्वेशन ऑफ ए व्हीकल। तो सबसे पहले अपन ने अभी तक क्या क्या देखा, अपन ने अभी तक देखा कि कन्वेंशनल व्हीकल्स जो है क्या क्या उनके एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे वो यूजफुल हैं फॉर द सोसाइटी, ठीक है ना, क्या क्या कॉस्टिंग है जो एक कस्टमर को देनी पड़ती है, सोसाइटी को देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस देखे हमने, सबसे पहले अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब फॉरवर्ड फोर्स जो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। देन थ्री रेजिस्टिव फोर्सेस, उसमें से एक जो था हमारा वेट ऑफ व्हीकल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, देन रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर्स, देन एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये देखा कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए व्हीकल। अब जो टॉपिक है डायनामिक इक्वेशन ऑफ ए व्हीकल, तो डायनामिक जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है चेंज। जब कोई चेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं डायनामिक और ट्रांजिएंट। तो चेंज तो होगा क्योंकि जब व्हीकल है आपकी रेस्ट पोजिशन से या स्टैंडर्ड पोजिशन से चलेगी, मतलब उसमें एक चेंज आया, ब्रेक लगेगा तो चेंज आया, हमने गियर चेंज किया, स्पीड चेंज की, तो उसमें एक चेंज आया। मतलब बहुत कम है कि हम कह सकेंगे कि डायनामिक्स उसमें नहीं होंगे। एकदम स्टडी स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड में गाड़ी चल रही है, ऐसा तो मतलब बहुत कम ही जगह पॉसिबल होगा। या तो ये हाईवे में पॉसिबल होगा या बहुत ही सिटी एरिया में जहाँ पे हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं वहां पॉसिबल होगा। तो जनरली डायनेमिक जो बिहेवियर है वो तो व्हीकल का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो डायनेमिक इक्वेशन ऑफ ए व्हीकल, तो अभी तक हमने जो व्हीकल देखी, जैसे हमने भी कार का देखा है ना, कार अगर स्लोप पे जा रही है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो या तो हम कार बोले या हम इसको बोल सकते हैं टू एक्सेल, AXLE, एक्सेल का मतलब होता है शेफ्ट, है ना, जो शेफ्ट लगी होती है ट्रांसमिशन के लिए। तो टू एक्सेल व्हीकल भी बोल सकते हैं, एक शेफ्ट आगे होती है फ्रंट में और एक शेफ्ट पीछे की तरफ होती है, दो टायर्स के बीच में हमारी एक शेफ्ट होती है। तो टू एक्सेल व्हीकल की हम बात करेंगे डायनामिक इक्वेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ये तो हमें मालूम है ना कि जो हमारी जो व्हीकल इट इज मूविंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वो हमारी एक लेंथ के अलोंग मूव कर रही है, मीन्स स्ट्रेट मूव कर रही है ना। तो उस डायरेक्शन में अभी तक हमने ये देखा कि कौन कौन से फोर्सेस हमारे जो है वो एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो इस पे लिखा है आप ध्यान से पढ़िएगा स्लाइड पे, थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है ये। इट इंक्लूड्स द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ फ्रंट एंड रेयर टायर्स, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल जो बाहरी फोर्सेस हैं जो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, बाहरी फोर्सेस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं वो उस पे आपके एक्सटर्नली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या हो गया, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ फ्रंट एंड रेयर टायर्स, एक तो आपके आगे के दो टायर्स का और पीछे के दो टायर्स का जो आपका रोलिंग रेजिस्टेंस है वो हमने इंक्लूड किया। एफ आर एफ, एफ मतलब फोर्स, आर मतलब आपका रेजिस्टेंस, मतलब रोलिंग रेजिस्टेंस, और जो एफ लिखा हुआ है वो फ्रंट के लिए है। दूसरे वाले में लिखा एफ आर आर, एफ फोर्स, आर फॉर रोलिंग रेजिस्टेंस, और जो आर है वो रेयर टायर के लिए है। विच आर रिप्रेजेंटेड बाय रोलिंग रेजिस्टेंस मोमेंट, टी आर एफ एंड टी आर आर, मतलब फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। देन एरोडायनामिक ड्रैग, मतलब एयर का रेजिस्टेंस या एयर का फ्रिक्शन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था एफ डब्ल्यू से, ठीक है ना। इसके हमने दो पार्ट्स देखे थे, कैसे, एक आपका शेप ड्रैग था, दूसरा हमारा स्किन फ्रिक्शन था। और इसके बाद है ग्रेडिंग रेजिस्टेंस, एफ जी, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेडिंग रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या था, जब भी हमारी गाड़ी आपकी चढ़ाई पर चढ़ेगी तो वो गाड़ी पीछे तरफ आने की कोशिश करेगी, तो जो उसके वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा MVG साइन अल्फा, वो उसको खींचेगा पीछे की तरफ। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था MVG साइन अल्फा से। ये तीन हो गए रेजिस्टेंस फोर्सेस। एंड ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर द फ्रंट एंड रेयर टायर्स, FTF एंड FTR। एफ फोर्स है, टी मतलब ट्रैक्टिव, और जहां पे एफ लिखा है फ्रंट टायर है, और जहां पे आर लिखा है मतलब रेयर टायर है। तो ट्रैक्टिव फोर्स मतलब कौन सा वाला फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स है जो गाड़ी को आपके आगे तरफ ले जा रहा है। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल कम्बशन इंजन। तो ये हमारे हो गए सारे फोर्सेस जो कि एक्ट करते हैं व्हीकल के ऊपर व्हेन इट इज मूविंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। FTF इज जीरो फॉर ए रेयर व्हील ड्राइवन व्हीकल,
पीछे की साइड में हम देखेंगे तो एफटीएफ हमको जीरो मिलेगा और आगे हमारा एफटीआर जीरो होगा, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। अगर हमें एक डायनामिक इक्वेशन लिखनी है व्हीकल की, जब व्हीकल मोशन में आता है तो उसके डायनामिक बिहेवियर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज एम वी डी वी अपॉन डी टी। ये क्या होता है एम वी डी वी अपॉन डी टी, हमने एक देखा था न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन देखी थी, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स माइनस समेशन ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइड बाई मास ऑफ व्हीकल, ठीक है ना। अभी आपने एम वी डी वी अपॉन डी टी एक तरफ ले लिया, सारे फोर्सेस एक तरफ ले लिए, आ रहा ना समझ में। तो एम वी डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स माइनस जितने भी हमारे रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, ठीक है। आप एक एक इक्वेशन को ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा टफ है इसलिए बोल रही हूँ मैं, इसलिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ मैं, और रफ कॉपी में साथ साथ करके भी जाना, जहां डाउट हो मुझसे पूछ लेना। तो एम वी डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी दैट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, कौन सा फोर्स, जितने भी फॉरवर्ड फोर्स है माइनस जितने भी आपके रेजिस्टेंस फोर्स है और डिवाइड बाय मास ऑफ द व्हीकल। तो एम वी डी वी अपॉन डी टी हमारा पूरा एक तरफ आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, एफ टी एफ प्लस एफ टी आर माइनस एफ आर एफ एफ आर आर एफ डब्ल्यू एफ जी, मतलब एफ टी एफ प्लस एफ टी आर इज अ टोटल ट्रैक्टिव फोर्स, फ्रंट का और रेयर का मिला के टोटल ट्रैक्टिव फोर्स हो गया एफ टी एफ प्लस एफ टी आर माइनस FRF, FRR, FWFG, ये क्या हो गया टोटल रेजिस्टिव फोर्स। देखिए जो पहले दो टर्म्स हैं वो बता रहे हैं रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर प्लस FW क्या हो गया आपका एरोडायनामिक प्लस FG ग्रेडिंग रेजिस्टेंस। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई, डायनामिक इक्वेशन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और MV जो है वो व्हीकल का मास है, ठीक है। ये आया सबको समझ में, यहाँ तक ये तो नॉर्मल इक्वेशन थी। अब हमें इसमें इक्वेशन में करना क्या है, देखिए गाड़ी का जो मूवमेंट है वो कैसे है कि जो गाड़ी का सबसे जो टायर का सबसे नीचे वाला पोर्शन है बॉटम एरिया है उसका आपका कॉन्टैक्ट बन रहा है ग्राउंड के साथ, जितना भी जो भी कॉन्टैक्ट एरिया है ग्राउंड और टायर के बीच में वही कहीं ना कहीं मूवमेंट हमको दे रहा है, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स हमको उसके बीच में मिलता है, तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टायर एंड द ग्राउंड वो कितना मैक्सिमम पॉसिबल है। हमें पता है गाड़ी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, जब हम उससे ज्यादा गाड़ी को स्पीड पे लेके जाते हैं तो या तो इंजन में आवाज आने लगती है, और ये भी पॉसिबल है कि गाड़ी हमारी स्लिप हो जाए। तो कितना किसी भी व्हीकल में कितना मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि पॉसिबल है वो हम निकालेंगे इस डायनामिक इक्वेशन में, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी हम टू एक्सल व्हीकल की बात कर रहे हैं, दो एक्सेस है, एक आगे है एक पीछे है, एक फ्रंट के व्हील्स के बीच में है दूसरी रेयर व्हील्स के बीच में है। तो अगर हमें मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स निकालना है कि कितना आपके टायर और ग्राउंड के कॉन्टेक्ट एरिया में कितना फोर्स पॉसिबल है, तो पहले हम ये देख लें कि जो आगे की एक्सेल है और जो पीछे की एक्सेल है दोनों कितना नॉर्मल लोड बेयर कर सकते हैं, आगे की एक्सेल एंड पीछे की एक्सेल कितना नॉर्मल लोड बेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज निकालनी है कितना नॉर्मल लोड फ्रंट एक्सेल एंड रेयर एक्सेल कैन बेयर, सो वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अबाउट द सेंटर। सेंटर मतलब अभी अपन जो पॉइंट की बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ बात कर रहे हैं टायर और ग्राउंड के एरिया की, वहां कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे उससे हम निकालेंगे कि नॉर्मल लोड कितना आ रहा है फ्रंट एक्सेल पे और रेयर एक्सेल पे। अभी डायग्राम देखो आप थोड़ा समझ में आएगा, पुराना डायग्राम है ये अपना, देखो डब्ल्यू एफ दिख रहा है, डब्ल्यू एफ बिल्कुल आपका कॉन्टेक्ट एरिया है बिटवीन द टायर एंड द ग्राउंड, ऐसे डब्ल्यू आर है, ठीक है। तो डब्ल्यू आर निकालना है, डब्ल्यू एफ निकालना है कि रेयर दो जो एक्सेल है एक फ्रंट में एक रेयर में वो कितना आपका लोड उनके ऊपर आ रहा है, नॉर्मल लोड कितना आ रहा है उनके ऊपर, दोनों के ऊपर अलग अलग लोड आएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कौन कौन से मोमेंट्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, टोटल डब्ल्यू एफ निकालना है टोटल डब्ल्यू आर निकालना है। पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लो कि कहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है, तभी हमें थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है ना। सबसे पहले जहाँ पे एम वी लिखा है मतलब मास ऑफ व्हीकल, ओके, जहाँ पे टी है टी मतलब टॉर्क, एफ मतलब फोर्स, डब्ल्यू मतलब ड्रैग एरोडायनामिक ड्रैग मतलब एयर की बात कर रहे हैं, एच जी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
अल्फा जो कि एंगल बन रहा है स्लोप पे रोड के साथ, ठीक है, वो आपका एंगल हो गया, ठीक है। डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू आर लोड है रेयर और फ्रंट में, ठीक है। एल ए आप देखेंगे जहां पे सेंटर ऑफ वेट आ रहा है गाड़ी का, तो एल ए आपकी लेंथ है उस फ्रंट टायर तक और एल बी लेंथ है रेयर टायर तक, टोटल लेंथ हमारे हुई कैपिटल एल, ठीक है। और जहां पे आर एफ लिखा है, आर मतलब रेजिस्टेंस, एफ मतलब फ्रंट का, ठीक है। एफ टी आर लिखा है तो फोर्स कौन सा, टी मतलब ट्रैक्टिव फोर्स, आर लिखा है तो रेयर वाला, एफ लिखा है तो फ्रंट वाला। तो ये सारे क्या है आपके एब्रीविएशन होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, तो फिर डेरिवेशन में दिक्कत होगी। तो पहले ये अच्छे से बिल्कुल डायग्राम क्लियर है सबको, है ना। तो अपन थोड़ा पीछे मूव करते हैं फिर से। तो ये एक इक्वेशन होगी सबसे पहले एमवीडीवी क्वांटिटी एक्सीलरेशन की इक्वेशन। ये इक्वेशन ये बता रही है डायनामिक बिहेवियर, आपके नॉर्मल जब मोशन हो रहा है आपके गाड़ी का तब ये आपकी डायनामिक इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर द स्टैंडस्टिल पोजिशन, ये हम सिर्फ मोशन की बात कर रहे हैं। तो अभी हमें निकालना है कि जो फ्रंट एक्सेल है और जो रेयर एक्सेल है वो दोनों पे ही कितना आपका लोड आएगा। उसके लिए हम निकालेंगे दोनों के अलग अलग मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। फोर्सेस हम निकालेंगे कौन से पॉइंट पे, पॉइंट आर, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे हम निकालेंगे कॉन्टैक्ट एरिया टायर के बॉटम पोर्शन के बीच में एंड द ग्राउंड के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डब्ल्यू एफ। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। डब्ल्यू एफ मतलब फ्रंट का नॉर्मल लोड ऑन द फ्रंट एक्सेल, ठीक है। तो मोमेंट्स पता है ना, व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट्स मतलब कि कितना फोर्स है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है ना, कितना फोर्स है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, उसको अपन बोलते हैं अपना मोमेंट। किसी भी पॉइंट पे जब मोमेंट निकालते हैं, अपन ने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने, ट्रस कैलकुलेट किया होगा, है ना। मोमेंट मतलब कोई भी फोर्स कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एफ जो है आपका वो कितने डिस्टेंस पे है, अगर हम देखेंगे जो हमने एल जो है वो नीचे ले लिया पूरे डिवाइड में मिला के, तो डब्ल्यू एल कितने डिस्टेंस पे आया आपका, डब्ल्यू एफ सॉरी कैपिटल एल डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू एफ, रफ कॉपी साथ में रखना आप लोग, है ना, डब्ल्यू एफ इंटू एल, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब कौन कौन से फोर्सेस पॉसिबल है, अब आप वो देखिए फ्रंट वाले एक्सेल पे, बैक चलते हैं। पहले आपने क्या लिया, एम वी जी कॉज अल्फा, ठीक है, एम वी जी कॉज अल्फा, एम वी जी कॉज अल्फा ये है, बैक से कितने डिस्टेंस पे है, एल बी, ठीक है ना, एम वी जी कॉज अल्फा डिस्टेंस एल बी। देन माइनस, ये माइनस क्यों किया है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे, चलो बाद में बता देना, पहले समझ लो इक्वेशन। एम जी वी कॉज अल्फा कितने डिस्टेंस पे हो गया, एल बी डिस्टेंस पे। देन टी आर एफ टी आर आर रेजिस्टेंसेस भी आएंगे सारे, ठीक है ना, टी आर मतलब रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ फ्रंट और ये आपका हो गया रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ रेयर, ठीक है। तो टी आर एफ प्लस टी आर आर, ठीक है, प्लस एफ डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू ड्रैग कितनी हाइट पे है आपका ये फ्रॉम द ग्राउंड एट द हाइट ऑफ एच डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। देन प्लस एम वी जी साइन अल्फा, ये कौन सा वाला कॉम्पोनेंट है आपका, ये वाला कॉम्पोनेंट है, ठीक है ना, और ये कितने डिस्टेंस पे है आपका, कितनी हाइट पे है यहाँ से ग्राउंड से, एच डी हाइट पे है, ठीक है। देन वी हैव एम वी एच जी डी वी अपॉन डी टी, एम वी इंटू डी वी अपॉन डी टी इज द एक्सीलरेशन, कितनी हाइट पे है आपका वेट एंड डिस्टेंस ऑफ एच जी। अब आप सोचेंगे कहीं प्लस कहीं माइनस क्यों लिखा है, पहले तो आप ही समझ लो कौन कौन से फोर्सेज आए, ये जो डब्ल्यू एफ है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स है, सारे वेट के कॉम्पोनेंट आए, साइन अल्फा कॉज अल्फा रजिस्टेंस वाले कॉम्पोनेंट आए, ड्रैग आया और आप मतलब तीनों रजिस्टेंस आए आपके, ठीक है, और वेट वाला कंपोनेंट आया प्लस ट्रैक्टिव एफर्ट आई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अब आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, तीनों आ गए आपके रेजिस्टिव फोर्स, रोलिंग रेजिस्टेंस, ड्रैग और ये वाला आपका हो गया ग्रेडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस प्लस एक्सीलरेशन, इसको हम काय में से माइनस करेंगे अपने टोटल ट्रैक्टिव फोर्स में से, वही हो गया अट्रैक्टिव फोर्स माइनस टोटल रेजिस्टेंस, ये आपका पड़ गया पड़ेगा पूरा पूरा लोड आपका फ्रंट एक्सेल पे। थोड़ा इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करो आप, थोड़ा टफ है लेकिन समझ जाओगे। ये मैं यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी, अगर मोटा मोटा हम देखें तो यही इक्वेशन है ऊपर वाली, आप देखिए मोटा मोटा इसमें ट्रैक्टिव इज इक्वल टू, एक्चुअली ट्रैक्टिव इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस एक्सीलरेशन, ये जो भी चेंज आ रहा है ना, ट्रैक्टिव इज इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस एक्सीलरेशन, तो यही हमने यहाँ पे देखा है। बस हम फ्रंट का अलग से दे रहे हैं, रेयर का अलग से देख रहे हैं, बस इतना हमने वो किया है डिफरेंस।
फ्रंट का हमने जब उठाया, ठीक है ना, जब हमने फ्रंट व्हील लिया तो ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके, जो गाड़ी को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस फोर्स आपको टोटल इतना हो गया, सारे डिस्टेंस लिए है हमने ग्राउंड से, वर्टिकल डिस्टेंस होगा या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, हमने लिया है ग्राउंड से, ठीक है ना, और डिवाइड बाय कैपिटल एल, कैपिटल मतलब कि दोनों टायर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, तो डब्ल्यू एफ इंटू एल हम इस साइड करें, इसको डिवाइड करें, ये एक ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी जो इक्वेशन है, दिस इज स्टैंड्स फॉर द फ्रंट एक्सल डब्ल्यू एफ। अब अगर हम बात करें रेयर की, तो रेयर में भी सेम चीज आएगी आपकी, बस रेयर में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस अलग होंगे। आप देखिए इस इक्वेशन को रेयर एक्सल की, एम वी जी एल ए कॉज अल्फा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस आपके सेम है, एल सेम है, बस ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारा कहाँ एक्ट कर रहा है, रेयर में, एम वी जी कॉज अल्फा, ठीक है ना, डिस्टेंस एल ए पे, बाकी आपका सेम रहेगा। तो फ्रंट और रेयर एक्सेल का जो नॉर्मल लोड है वो अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, आप दोनों इक्वेशन को देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको एक दो मिनट करना हो तो अपनी कॉपी पे करके देख सकते हो आप, जो पिछले एब्रीविएशन अपन ने यूज किए थे ना, ये उसी के हिसाब से देख लीजिए आप इक्वेशन को अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो तो अपन डब्ल्यू एफ की फिर से इक्वेशन उठाते हैं, है ना, डब्ल्यू एफ की अपन फिर से इक्वेशन उठाते हैं, जो अपन ने निकाला था डब्ल्यू एफ, इसको भी आप कॉपी पे कहीं लिख के रखना। अब यहाँ पे क्या किया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के हिसाब से हमने ये मान लिया कि जो एच डब्ल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच जी। देखिए एच डब्ल्यू इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच जी, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है ग्राउंड से, और जो आपका आगे का ड्रैग जहां से आपकी एयर फ्रिक्शन आती है उसका डिस्टेंस जो है ग्राउंड से, सपोज इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अगर एच डब्ल्यू और एच जी को हम बराबर माने तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप देखिए, ये पहले कहीं लिख लो इस इक्वेशन को, फिर सिंप्लीफाई करना, लिख लो इसको वहीं पे पहले आप, एम वी जी एल बी कॉज अल्फा वाली इक्वेशन लिख लीजिए, फिर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो अब इसमें इस कंपोनेंट को हमने अलग कर दिया, ठीक है, इस कंपोनेंट को हमने अलग कर दिया, एच जी बाई एल हमने क्या किया है, कॉमन लिया है यहाँ पे एच जी बाई एल, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, एफ डब्ल्यू बचेगा, एफ जी बचेगा, ठीक है, और ये कहां से आया इसमें, थोड़ा आप देखो इक्वेशन लिखो बेटा, कॉपी भी नहीं तो नहीं समझ में आएगा ऐसे, देखो कैसे सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को। देखो एफ डब्ल्यू क्लियर है, एफ जी बाहर आया, सॉरी ये एफ जी क्लियर है, एच जी बाहर आया, ठीक है, और आपने एच जी इज इक्वल टू क्या मान लिया, एच डब्ल्यू, तो ये हो गया एफ डब्ल्यू प्लस एच जी, एच जी इनका कॉमन बाहर आ गया, ठीक है ना। अभी हमारे पास तीन कॉम्पोनेंट और बचे हुए हैं इसमें, एक क्या है आपका एम वी डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, एच जी कॉमन आया तो हो गया एम वी डी वी अपॉन डी टी, ये भी हो गया। अब एक ये बच रहा है हमारा एम वी जी एफ आर आर डी बाई एच जी कॉज अल्फा, ये कहां से आया बताएगा कोई मुझे, नेटवर्क चला गया था ना शायद अभी, यस मैम, हाँ सॉरी पता नहीं एकदम से नेटवर्क चला गया था, अभी दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है क्या, नो मैम पीपीटी नहीं, एक मिनट फिर से करती हूँ, दो मिनट फिर से करती हूँ, फोन आ गया था बीच में तो चला गया पूरा, एक सेकंड। यस मैम दिखने लगा, सॉरी वो फोन आ गया था बीच में तो उसे नेटवर्क चला गया था, है ना। अपन इस इक्वेशन को देख रहे थे तो मैं यही बोल रही थी, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें ये टर्म क्लियर था, ठीक है, है ना, और आपका एफ डब्ल्यू ये एम वाला टर्म क्लियर था, हमने एच जी कॉमन लिया है, ठीक है, एफ डब्ल्यू वाला टर्म क्लियर था,
और एक था आपका TRF प्लस TRR, ठीक है ना। वो सब कहाँ गए वो टर्म्स आपको दिख रहे हैं क्या सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे, तब मैं फिर आपको आगे बताऊँ। ये जो इक्वेशन अपने सिंप्लीफाई किया है इसमें क्या क्या किया है कोई बता पाएगा मुझे, थोड़ा सा रफ कॉपी पे करके देखोगे आप? मैम वो वाली टर्म एक बार समझा देंगी मैम, कौन सा वाला पहले वाला जिसमें उसमें लास्ट जो है ना एम मैम एम वी एच जी डी बी बाई डी टी है जो इक्वेशन मत एक मिनट ये बताओ ये वाला बोल रहे पहले वाला ये वाला सबसे ऊपर एक मिनट ये वाला हाँ मैम जो अपने हाँ इसमें ये लास्ट टर्म समझ भी नहीं आ रहा इसमें लास्ट वाली इक्वेशन एम वी एच जी डी वी अपॉन डी टी यस मैम ये वाली हाँ हाँ तो इसमें मैं यही बता रही थी ईशान की सबसे पहले ये हो एक तो आपका क्या हो गया टी आर जहां दिख रहा है मतलब रेजिस्टेंस फोर्स है ठीक है जो आर डब्ल्यू रेजिस्टेंस फोर्स है और जो हमारे हमें ये जो दिख रहा है तुम्हें एम वी जी साइन अल्फा वाली क्वेश्चन देखो ठीक है ना आपने पहले फ्रंट एक्सेल का निकाला हमने सपोज ठीक है तो हमें पता है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स आप तो इस तरीके समझो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बैकवर्ड मतलब रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड मतलब की ट्रैक्टिव फोर्स ठीक है ना तो मैंने बोला कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड या मैं ये बोल सकती हूँ कि फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड प्लस एक्सीलरेशन बोल सकती हूँ अपन ये बोला बैकवर्ड फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एक्सीलरेशन और अपन ये बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड प्लस एक्सीलरेशन तो यहाँ पे ये किया है ये फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स प्लस एक्सीलरेशन ये एक्सीलरेशन है एम डी वी अपॉन डी टी ये भी एक कॉम्पोनेंट कहीं ना कहीं रहेगा ये जो दिख रहा है ना ये वाला कॉम्पोनेंट देखो ये सारे फोर्सेज है सबसे पहले जो इक्वेशन दिख रहे हैं सारे फोर्सेज है ये मोमेंट नहीं है अब इनको क्या है किस डिस्टेंस पे ये एक्ट कर रहे हैं वो डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा तो ये एम डी वी अपॉन जो डी वी अपॉन डी टी है ये वाला कंपोनेंट है पहले वाला ठीक है ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है हमारा एच डी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है क्योंकि सेंटर इसका ये है मास का मैम वो इस फोर्स को जब रिजॉल्व किया था तो रिजॉल्व करने के बाद कंपोनेंट ले लिया उसके बाद भी फिर इसको एक और वाला हाँ उसके बाद भी इसको लेना पड़ेगा बेटा उसके बाद भी इसको लेना पड़ेगा यही पूछ ठीक है ना चलो ये हो गया चलो अब ये हो गया डब्ल्यू एफ डब्ल्यू आर अब इस इक्वेशन को थोड़ा अगर आप बताओ मुझे कि कैसे सिंप्लीफाई हुई तो फिर आगे मैं बताऊंगा आपको पहली वाली जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन लिखो पहले कॉपी पे ये वाली ठीक है और फिर ये देखो ये इन्हें क्या किया है डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू एल बी बाई एल ये तो मैंने बता दिया इन्हें कॉमन लिया है एच जी इक्वल टू एच डब्ल्यू मान लिया है अपन ने तो एच जी कॉमन ले लिया है फिर ये चार टर्म्स कैसे बचे थोड़ा दो मिनट सोचो फिर बताती हूँ आया समझ में? नो मैम नहीं आ रहा। अरे देखो एच जी कॉमन ले लिया एच जी इज इक्वल टू एच डब्ल्यू ये तो क्लियर है ठीक है सबसे जो लास्ट वाली टर्म है एम वी डी वी अपॉन डी टी वो भी क्लियर है क्योंकि एच जी बाहर हो गया ठीक है यस मैम है ना ये समझ में आया अब क्या किया है ये जो देखो आप ये वाला जो टर्म है सबसे पहले वाली इक्वेशन में ये आपका एफ डब्ल्यू और एच डब्ल्यू ये ड्रैग के लिए है और ये क्या है आपका एम वी जी एच जी साइन अल्फा ठीक है ना एम वी जी एच तो एच जी बाहर गया तो एम वी इंटू जी इंटू साइन अल्फा क्या होता है ये एफ जी होता है ना गेटिंग रेजिस्टेंस यस मैम ठीक है ना एक एक करके समझो एम वी ये तो सबसे पहले ये वाला क्लियर हो गया ठीक है एम वी इंटू जी इंटू एच जी साइन अल्फा एच जी बाहर चला गया तो एम वी इंटू जी इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ जी ये हम निकाल चुके हैं पहले वो वाला कॉम्पोनेंट जो गाड़ी को पीछे तरफ लेके आता है इन द स्लोप है ना इसको हम बोलते हैं आपका ग्रेडिंग रेजिस्टेंस तो अपन इसको रिप्रेजेंट कर दिया एफ जी से तो यहाँ पे इसलिए एफ जी आ गई
और एफ डब्ल्यू आपका पहले का लिखा ही हुआ था, ये एफ डब्ल्यू, ठीक है, एफ डब्ल्यू एफ जी और एक ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे, कौन सा कंपोनेंट बच रहा है बेटा, टी आर एफ प्लस टी आर आर। तो ये क्या था, टोटल टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर। टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, याद होगा आपको, पी एफ आर कॉस अल्फा आया था, पी एफ आर कॉस अल्फा। यस मैम, पी एफ आर कॉस अल्फा बताया था मैंने, टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर। एफ आर क्या था वहां पे, व्हाट वाज द एफ आर देयर, एफ आर वाज द कोएफिशिएंट, टायर का कोएफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू ए बाई आर डी, आया याद। तो एम जी एम वी इंटू जी कॉस अल्फा से रिप्लेस किया है ट्रैक्टिव फोर्स को यहाँ पे, ये देखो जो हमारा रोलिंग रेजिस्टेंस का फोर्स है टी आर एफ प्लस टी आर आर, इट इज रिप्लेस्ड बाई दिस कॉम्पोनेंट एम वी जी। यस मैम, रिप्लेस कर दिया है ना, रिप्लेस किया। अब आया सबको समझ में? यस मैम, इसलिए मैं बार बार बोली थोड़ा सा इसको क्रॉस करो। देखो इन दोनों टर्म्स को अपने जो पहले निकाला था ना उससे रिप्लेस किया है, ये आपका सेम है, इसको आपने ग्रेडिंग रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया है और ये आपका सेम है, तो आपके बचे यहाँ पे सिर्फ चार टर्म्स इंस्टेड ऑफ फाइव टर्म्स। यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं है ना बेटा, क्लियर है, ठीक है। सेम वी कैन डू फॉर द रेयर एक्सेल, ऐसे डब्ल्यू एफ ऐसे आपका डब्ल्यू आर। ये कंडीशन हमारी कब आई है सिंप्लीफिकेशन, जब हमने ये माना है कि एच डब्ल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच जी, ठीक है। चलो इसको और अगर अपन आगे सिंप्लीफिकेशन करें, सो डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन को अब आप देखना, एल बी बाई एल एम वी जी कॉस अल्फा सेम है, एच जी बाई एल कॉस अल्फा ये सेम है। अब ये जो टर्म है चार, ये हमारे रिप्लेस हुए हैं इन टर्म से, ये कैसे रिप्लेस हुए हैं, कैसे रिप्लेस हुए हैं ये, चलो एफ डब्ल्यू प्लस एफ जी मतलब ड्रैग प्लस ग्रेडिंग और ये वाला प्लस एक्सीलरेशन, समझना, एफ डब्ल्यू प्लस एफ जी प्लस एक्सीलरेशन मतलब हमारा क्या बच रहा है, ट्रैक्टिव माइनस रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर, दो चीजें बच रही हैं इसमें। आप लोग समझ पा रहे हो जो बता रही हूं मैं आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, एफ डब्ल्यू प्लस एफ जी और एक्सीलरेशन को प्लस करेंगे तो बच क्या रहा है, ट्रैक्टिव फोर्स माइनस रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर। तो यहाँ पर एक किससे रिप्लेस कर दिया हमने, एफ टी माइनस एफ आर से, आया समझ में, एफ टी माइनस एफ आर से रिप्लेस किया है क्योंकि एफ डब्ल्यू प्लस एफ जी प्लस एम वी इसको रिप्लेस किया एफ टी माइनस एफ आर से, और ये क्या हो गया आपका आर डी बाई एच जी, आर डी बाई एच जी एम वी जी कॉज अल्फा, एम वी जी कॉज अल्फा को रिप्लेस किया है आपने कैसे, एफ आर से, टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ टायर से। यस मैम, आ गया, थोड़ा थोड़ा देख लो इसको, रिप्लेसमेंट ज्यादा है एक्चुअली इसमें। यस मैम, ठीक है, ये डब्ल्यू एफ डब्ल्यू आर टोटल आपका एक्सेल के ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो आपका ये आ गया, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है, हमें ये निकालना है कि फ्रंट और रेयर के व्हील में मैक्सिमम कितना ट्रैक्टिव फोर्स पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना ट्रैक्टिव फोर्स पॉसिबल है इस तरीके से कि गाड़ी हमारी स्पिन ना करे, है ना, हमें ये कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ट्रैक्टिव फोर्स अगर मैक्सिमम निकालना है टी मैक्स, दिस विल बी फॉर फ्रंट व्हील, दिस विल बी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू एफ और बैक वाले के लिए म्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू एफ डब्ल्यू आर हम निकाल चुके हैं। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये म्यू क्या है, म्यू इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ रोड एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो सरफेस के बीच का अटैचमेंट को अपन बोलते हैं एडिशन। दो सरफेस कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, एक तो टायर का बॉटम पोर्शन और रोड, उनके बीच का जो एडिशन जो अटैचमेंट है उसको अपन बोलेंगे आपका रोड का एडिशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रोड एडिशन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितना अट्रैक्टिव फोर्स आपका पॉसिबल है जब हमारी गाड़ी स्लिप करने लगे, और डिवाइड बाई आपका नॉर्मल लोड, है ना। तो जो स्लिप है उस स्लिप को अपन अकाउंट में लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रोड एडिशन। तो उस वो जो म्यू है आपका कोएफिशिएंट, उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फोर्स को, तो हमें मिलेगा मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स। यस मैम, क्लियर म्यू, कि म्यू म्यू से पहले मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम जाए तो उसमें कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो रोड का एडिशन है
वो कितना मैक्सिमम पॉसिबल है. तो ये हमारा जो डेरिवेशन है दिस इज फॉर मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स फॉर द फ्रंट एज वेल एज फॉर द रेयर एक्सेल्स. एक बार फिर से देख लो आप इसको डायनेमिक इक्वेशन में. सबसे पहले डायनेमिक इक्वेशन सबसे पहले इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हमें देखना है कि डायनेमिक बिहेवियर क्या है व्हीकल का ड्यूरिंग मोशन. ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले कौन कौन से फोर्सेस हमारे एक्ट कर रहे हैं, तो ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, देन रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स, देन एरोडायनामिक ड्रैग, देन ग्रेडिंग रेजिस्टेंस. फिर हमने एक इक्वेशन निकाली एमवीडीवी अपॉन डीटी, मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. हमने क्या कर दिया, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, टोटल फॉरवर्ड फोर्स माइनस टोटल बैकवर्ड फोर्स. फिर अगर हमें यहाँ पे ये देखना है कि मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स कितना पॉसिबल है रोड और टायर के कॉन्टैक्ट एरिया में, तो हमने देखा कि फ्रंट एक्सेल और रेयर एक्सेल में कितना नॉर्मल लोड आ रहा है, और वो हमने कैलकुलेट किया बाय समिंग ऑल द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया. अपने डब्ल्यू एफ निकाला पहले, देन डब्ल्यू आर, ठीक है, पर सिंप्लीफाई किया एज्यूमिंग एच डब्ल्यू इज इक्वल टू एच जी. ठीक है, फिर उसको म्यू से आखिरी में अपन ने ये मल्टीप्लीकेशन किया. ये हमारा पूरा आया एफ टी मैक्स, ट्रैक्टिव मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स. और ये जो इक्वेशन है डब्ल्यू एफ और डब्ल्यू आर, इसमें आप एक चीज अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये मैं इन दोनों इक्वेशन की बात कर रही हूँ. अच्छा भैया कर्सर मूव करें तो कर्सर दिख रहा है क्या आप लोगों को, कर्सर दिख रहा है कहीं स्लाइड्स पे? यस मैम, दिख रहा है ना, ठीक है, ओके. तो जैसे अगर डब्ल्यू एफ लिखा अपन ने ना, तो आप ध्यान से अगर इस कॉम्पोनेंट को देखेंगे ना पूरा, तो जो पहला वाला कॉम्पोनेंट है ना वो हमें दिख रहा है कॉन्स्टेंट. LB is constant, L is constant, MV is constant, G is constant, cos alpha is approximately constant. Minus HG by L, FT minus FR, 1 minus RD upon HG. अब आप देखिए इसमें एक RD word आ गया. RD मतलब क्या हो गया आपका? What is RD? RD मतलब आपका effective resistance of जो भी आपका radius है टायर का, ठीक है ना? आरडी वेरिएबल है, एफ टी वेरिएबल है, एफ आर वेरिएबल है. ये सारे देखिए, देखिए सारे इसमें कॉन्स्टेंट टर्म्स दिख रहे हैं हमको, सारे सारे कॉन्स्टेंट है. ये लेंथ डिफाइंड रहेगी, मास डिफाइंड रहेगा, जी डिफाइंड रहेगी, लेकिन इसमें सारे टर्म्स क्या है हमारे, वेरिएबल है एक्सेप्ट एच जी एंड एल. तो ये जो पहला कॉम्पोनेंट है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट कॉम्पोनेंट और स्टडी कॉम्पोनेंट. ये व्हीकल का कॉम्पोनेंट है, या हम बोल सकते हैं कि जब व्हीकल आपकी रेस्ट पे खड़ी रहेगी या स्टिल रहेगी, तो सिर्फ ये वाला कॉम्पोनेंट हमारा एक्ट करेगा, ठीक है. और ये जो हमें दिख रहा है, ये हमारा है डायनेमिक कंपोनेंट. सेकंड वाला जो हमें दिख रहा है, दैट इज अवर डायनेमिक कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल लोड. ठीक है, तो जो पहला वाला कंपोनेंट है दैट इज स्टडी कंपोनेंट, और सेकंड वाला कंपोनेंट दैट इज डायनेमिक कंपोनेंट. और जब गाड़ी हमारी रेस्ट पर रहेगी, सिर्फ पहला वाला कंपोनेंट हमारा एक्ट करेगा. ये वाले कंपोनेंट्स एक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ना, जब गाड़ी चलेगी तभी इसमें ट्रैक्टिव फोर्स आएगा, जब गाड़ी चलेगी तभी इसमें रेजिस्टेंस आएगा. जब गाड़ी चलेगी ही नहीं, तो ये वाले कंपोनेंट्स उसमें आएंगे ही नहीं. क्लियर है ना सबको? ठीक है, यस मैम, है ना, ठीक है. तो ये आपका हो गया डायनामिक इक्वेशन. कल अपन पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, और कल अपन इसको खत्म कर दे, फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे अपना.